गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आज हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 7, हमारी आँखें। इसका सेकेंड पार्ट हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, एक बच्चे की आँखों में प्रॉब्लम होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आँखें चेक कराने। उसी का सेकेंड पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि उनको, डॉक्टर साहब वो कहता है, सचिन मेरी आंखें मेरी आंखों में पानी क्यों आता है। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि हमारे आंखों में एक ग्रंथि होती है जिसमें अगर कुछ गिर जाता है आंख में तो उस ग्रंथि से पानी निकलने लगता है, और पानी वो तब तक निकलता है जब तक कि वो गिरा हुआ टुकड़ा बाहर ना आ जाए। ठीक है, इसके बाद में अब वो सचिन डॉक्टरों से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम आँखों में दुर्बलता कैसे आती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे गलत ढंग से जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, धूप और धूल तथा धुएं से भी हमारे आंखों में दुर्बलता आ जाती है। अब देखते हैं, वो बच्चा कहता है कि क्या ग्रंथि से पानी तभी आता है जब कोई चीज़ उसमें गिर जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो हमेशा उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है जिससे हमारी आंखें सूखे ना और थकावट उनमें ना आए। ठीक है, अब डॉक्टर कहते हैं कई बच्चे पुस्तक को आंखों के बहुत निकट लाकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नीचे झुककर पढ़ते हैं, ये सब गलत ढंग है। ठीक है, आप लोग भी बहुत पास में लेके पढ़ते होंगे और बिल्कुल उसके आँख के पास ले जाते होंगे, तो ये सब क्या है, गलत तरीका होता है। सचिन की माँ ने डॉक्टर साहब से बताया, इसे पढ़ने का सही ढंग समझाइए। डॉक्टर कहते हैं पुस्तक को आँखों से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए, कम प्रकाश या बहुत तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। सर्दियों में धूप में पढ़ते समय पुस्तक पर छाया पड़ती रहनी चाहिए। हम लोग जब धूप में बैठें तो हमारी बुक में छाया रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं, अब सचिन पूछ रहा है डॉक्टर साहब, संध्या के समय पढ़ना चाहिए अथवा नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं संध्या के समय कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आँखों पर बहुत जोर पड़ता है। सचिन की माँ कहती है, डॉक्टर साहब इसे आँखें साफ करने की विधि भी समझा दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं, सचिन ठंडे पानी के छींटे मारने से आँखें साफ होती हैं, सुबह और शाम आँखों में साफ पानी के छींटे मारने चाहिए, आँखें धोने के पश्चात साफ तौलिए से आँखें पोछनी चाहिए, आँखों में बार बार उंगली नहीं डालनी चाहिए। सचिन कह रहा है, डॉक्टर साहब मेरी आँखें कुछ लाल हो रही हैं, इसका क्या कारण है। तो डॉक्टर कहते हैं, प्रायः गर्मी और बरसात के दिनों में आँखों को एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसे आई फ्लू कहा जाता है। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे, प्लस इसको समझेंगे कि हमें अपनी पढ़ाई के समय अपनी बुक या नोटबुक को कितनी दूरी पे रखना चाहिए, सीधे बैठ के पढ़ना चाहिए, झुक के नहीं पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, शाम के समय नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और धूप में बैठ के पढ़ते समय हमारी बुक या नोटबुक पे छाया रहनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप लोग मानेंगे भी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग इसको समझेंगे कि हमें अपनी बुक को कितनी मीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, इसमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है कि आपको अपनी नोटबुक को 30 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए पढ़ते समय,
और संध्या के समय कम प्रकाश में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, इससे आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट, आप लोग वीडियो ज़रूर बनाइए इसका और मुझे सेंड करिए। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे, वीडियो बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे।